हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 32वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 31 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ मिलने वाले दोस्तों आपको डेली 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए स्टडी डाउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। तो ये 50 के 50 क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, क्योंकि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, विश्व विख्यात स्मारक के 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर में स्थित है प्रथम मत्स्य अभयारण्य। नेक्स्ट है, राजस्थान स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसमंद झील है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। टाइगर पार्क राजस्थान, जिसमें कचिंदा, धाकड़ वन क्षेत्र, कुंडाल वन क्षेत्र, खंडार रंडाला वन क्षेत्र, ये किस अभयारण्य के वन क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सभी रणथंभौर टाइगर पार्क के वन है। नेक्स्ट है, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुरम से संधि की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, फरवरी 1615 ईस्वी में की थी महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुरम से संधि। नेक्स्ट है, राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई है। नेक्स्ट है, बंजर क्षारीय एवं रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बबूल, विलायती खेजड़ा, करंज और सरू पेड़ उगते हैं बंजर, रेतीली और क्षारीय भूमि पर। नेक्स्ट है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। नेक्स्ट है, बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राव कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की थी अकबर की नागौर दरबार में उपस्थित होकर। नेक्स्ट है, राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है जो कि भारत पाक सीमा पर स्थित सीमा है। नेक्स्ट है, वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने नए क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु कहाँ पर की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में स्थापना की गई थी वर्धमान विद्यालय की अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। नेक्स्ट है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के छात्र ने बम फेंका वह था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोरावर सिंह था जिसने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। नेक्स्ट है, वह जिला जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़ जिला है जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ के साथ में नहीं लगती है। इसके अलावा कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, इन तीनों जिलों की सीमा चित्तौड़गढ़ में के साथ में लगती है। नेक्स्ट है, कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
वशिष्ठी उपनाम नहीं है चंबल नदी का। इसके अलावा चरमयती, कामधेतु, नित्यवाही नदी, ये तीनों ही चंबल नदी के उपनाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में वह झील अवस्थित है जिसका निर्माण बाढ़ राहत परियोजना के तहत अंग्रेजी इंजीनियर फॉय के निर्देशन में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में स्थित है वह झील जिसका निर्माण फॉय के निर्देशन में हुआ था। राज्य में दक्षिणी पूर्वी पठार भौतिक क्षेत्र भारत के किस भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति, RS6 आदि किसकी किस्में हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो की किस्में हैं ज्योति और RS6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा एवं जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवबारी उदयपुर में स्थापित किया गया है सीसा एवं जस्ता गलाई संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेह सागर के किनारे पहाड़ी मोती मगरी को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया है, यह स्मारक स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह उदयपुर जिले में स्थित है फतेह सागर के किनारे मोती मगरी। रानी खेत रोग किस पशु में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुर्गी में होता है रानी खेत रोग। नागभट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया जिसकी जानकारी मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर अभिलेख में मिलती है कि नागभट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीता माता अभ्यारण है जो कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं मतलब सभी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, गजनेर अभ्यारण बीकानेर इंपीरियल सेडगाउन पक्षी के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सुने, ऊसर भूमि किसे कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खारी व लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहा गया है। नेक्स्ट सुने, राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांबर झील है जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, बालोतरा बाड़मेर में स्थित है पहला सौर ऊर्जा चालित फ्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संलग्न जिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरोही पाली नागौर, ये तीनों ही राजस्थान के संलग्न जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस भाग में सालर सागवान बांस पलास खेर धोंक आदि के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं सालर सागवान बांस पलास खेर और धोक के वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओराई बांध परियोजना से मुख्यतः किन जिलों में सिंचाई का लाभ मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले में सिंचाई का लाभ मिलेगा ओराई बांध परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जो कि 1460 में लिखी गई है। यह महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती है। निक्षण है, पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर को कहा जाता है, पूर्व का वेनिस। निक्षण है, आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है जो है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को। निक्षण है, राजस्थान का नागपुर कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झालावाड़ को कहते हैं राजस्थान का नागपुर। निक्षण है, राज्य में म्यूर बीड़ी उद्योग का केंद्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोंक है म्यूर बीड़ी उद्योग का केंद्र। निक्षण है, निम्न में से कौन सा एक अजमेर जिले में स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फतेह सागर स्थित नहीं है अजमेर जिले में। इसके अलावा आना सागर, फोय सागर, नारायण सागर, ये तीनों ही अजमेर जिले में स्थित है। क्षारीय मिट्टियों में किस उर्वरक का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम सल्फेट उर्वरक का उपयोग उपयुक्त रहता है लवणीय क्षारीय मिट्टियों में। निक्षण है, जिला गरीबी उन्मूलन योजना निम्न में से किस जिले में लागू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में, मतलब राजसमंद, टोंक, झालावाड़, इन तीनों जिलों में लागू की गई है जिला गरीबी उन्मूलन योजना। निक्षण है, राज्य में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में है भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र। निक्षण है, रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत पाक की सीमा रेखा है और राजस्थान में विस्तार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर शाहगढ़ बाड़मेर तक है राजस्थान में विस्तार रेड क्लिफ रेखा का। निक्षण है, रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी व बिहार चंद्रिका नामक काव्य ग्रंथों की रचना करने वाला था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नगरीदास था जिसने रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी और बिहार चंद्रिका नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। निक्षण है, राणा कुंभा एवं मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1437 ईस्वी में हुआ था सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य। निक्षण है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नल जेम्स टोड है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। निक्षण है, हाड़ौती के किसान आंदोलन में डाबी नामक स्थान पर नानक भील ने झंडा गीत गाया था, इस पर अंग्रेजों ने गोली मार दी, डाबी का संबंध किस जिले से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी जिले से संबंधित है डाबी जगह है। निक्षण है, आदि वरहा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज ने धारण की थी आदि वरहा की उपाधि। निक्षण है, IPSC को संगठित संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 भागों में बांटा गया है। निक्षण है, हरी रस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरदास बारड द्वारा रचित एक प्रसिद्ध भक्ति ग्रंथ है जिसका नाम है हरी रस। निक्षण है, राजस्थान राज्य खान एवं
खनिज लिमिटेड द्वारा गैस आधारित परियोजना स्थापित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झामर कोटड़ा उदयपुर में स्थापित की गई है गैस आधारित परियोजना। नेक्स्ट है, राजस्थान को बीमारू राज्य में शामिल करने के लिए आधार है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाया गया है बीमारू राज्य में शामिल करने को राजस्थान राज्य को।